सलाम नमस्ते सत श्री अकाल खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि जो दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी हैं वो कौन कौन सी हैं, कौन कौन से मुल्क हैं जिनकी करेंसी सबसे बड़ी करेंसी है, पाकिस्तान की जो करेंसी है वो किस नंबर पर आती है और इंडिया की जो करेंसी है वो किस नंबर पर आती है। तो इस वीडियो में मैं ये सब इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, जिसका फ़ायदा ये होगा कि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। शुरू करते हैं वीडियोस। तो ये एक वेबसाइट है, इसके ऊपर जो है ना वो मैं आपको बताता हूँ। दसवें नंबर पर जो करेंसी आती है सबसे बड़ी वो है यूएस डॉलर। बहुत से लोग सोचते हैं कि जो अमेरिका की करेंसी है यूएस डॉलर वो दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी है, ऐसा नहीं है। जो यूएस की करेंसी है यूएस डॉलर वो है दसवें नंबर पर आती है, जो कि पाकिस्तान के इस वक्त 138 रुपये बनते हैं। उसके बाद स्वीडन है, स्वीडन का जो इस वक्त है पाकिस्तान के 160 रुपये बनते हैं, आई थिंक कंफर्म नहीं है, 60 रुपये या 67 रुपये बनते हैं पाकिस्तान के। उसके बाद आठवें नंबर पर यूरो है, जो कि यूके और आयरलैंड में यूज़ होता है, तो वो है उसका जो रेट है आज पाकिस्तान में तो वो 160 रुपये है। फिर ब्रिटिश आता है, पाउंड है, उसके बाद है, उसके बाद जॉर्डन जो है ना वो दिनार है, फिर उमानी रियाल है, फिर बहरीनी दिनार है और फिर कुवैती दिनार है। दुनिया की जो सबसे बड़ी करेंसी है वो इस वक्त जो है ना वो कुवैती दिनार है, जो कि पाकिस्तान के 410 रुपये आई थिंक बनते हैं, 410 रुपये बनते हैं इस वक्त। जब आप वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त हो सकता है कि डॉलर का रेट कम ज़्यादा हो, तो उसी के साथ ही अदर करेंसी जो हैं कुवैत की, सऊदीया की, ईरान की, इराक की, तो उनकी भी जो रेट है वो नीचे आ जाता है डॉलर के बढ़ने या कम होने से। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।